किसी ने अभी गाड़ी में किसी ने पात दिया है। अब सस्पेक्ट है तीन, मयंक, अंकुर भैया और मैं। तो यार एक बहुत ही फनी बात हुई है कि एक्चुअली मैं एक ट्रिप पे हम लोग जा रहे थे, तो वो 27 सितंबर की ट्रिप थी। तो मैं उसका थोड़ा डेट्स वगैरह मेरे पेटीएम पे टिकट बुकिंग वो 27 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 27 सितंबर सेट था, तो आज हमें जो दिल्ली निकलना था तो मैंने टिकट जो बुक करा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो भाई, 27 अगस्त की करनी थी और ये हो गई है 27 सितंबर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम टिकट देख रहे हैं दूसरी ट्रेन का, अभी के लिए अभी निकलेंगे हम लोग। फिर रात के 3 बज रहे हैं, तो अभी तत्काल में बुकिंग करवाते हैं। एक गलती क्या हुई है, पूरा घर चढ़ गया है सिर्फ एक गलती की वजह से। तो मतलब आप ये याद रखो कि आपने 100 अच्छे काम करे हो, लेकिन एक गलती की वजह से आपको सुनाया जाता है, और ये फैक्ट है। जैसे मेरी मम्मी सब लोगों से मेरी तारीफ करती है रिश्तेदारों में भी कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। मेरी बहन को ताने सुनाती जब बहन टिकट वगैरह बुक नहीं कर पाती, तो उनको ताने सुनाती, लेकिन आज मैंने एक गलती कर दी तो मुझे सुनाए जा रहे हैं भाई, सब सुनाए जा यार इतने ताने सुन रहा हूँ ना मैं, क्या बता। तो सीन ये है कि टिकट तो मिले नहीं तत्काल के भी, अवेलेबिलिटी है ही नहीं है ट्रेन में, कोविड की वजह से सब फुल चल रही है ट्रेन। तो अब ऐसा सीन है कि मेरी दीदी आई हुई है, तो उनके जो हस्बैंड है यानी कि मेरे जीजू का नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो जीजू के भाई आज बाई चांस दिल्ली जा रहे थे, तो अच्छा है दीदी ने वो रिमाइंड करवाया कि आज वो दिल्ली जा रहे हैं, और वो अभी हाफ एन आवर में निकल रहे हैं। अभी 3 बज गए हैं, वो 3:30 पे निकलेंगे, तो हमने अपनी ओला बुक कर लिया, अब हम वहाँ जाएंगे। इधर से 30 किलोमीटर दूर उनका घर है। फिर अब वो हमारी जो ट्रेन ट्रिप थी वो अब रोड ट्रिप हो गई, तो अब हम बाई रोड दिल्ली जाएंगे, फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली। लेकिन एक थैंक्स मयंक को भी, उसने पहले तो सबसे पहले जनरल की टिकट बुक करवाई, तो रुपए कम कटेंगे कैंसिल करवाने पे, ठीक है। और अगर मैं एक दिन की लेट टिकट बुक कर दूं तो कोई मूवी की, वो तो तू भोंदू है तो भोंदू तो रहे, दिख गया कौन भोंदू है। और इसने हाँ पूछ भी लिया ट्रेन की, ट्रेन कौन सी है, तो मैंने सर्च करने के लिए मतलब कॉम्बिनेशन देखो यार, जल्दबाजी में सिर्फ शॉर्ट और शूज भाई। यार मैं तो इसको भगवान का संजोग मांगता हूँ सीधी बात, अगर मैं घर नहीं आता, अगर ये घर नहीं आता मेरे रुकने, और ये मेरे को याद नहीं दिलवाता ट्रेन का, तो मेरे को नहीं पता चलता और हम लोग ऐसे ही बैठे रहते, तो ये सब लिखा हुआ था भाई, ये सब लिखा हुआ था। लिखे हुए को आप नहीं बदल सकते, जो भगवान ने लिखा है वो होना ही होना। मजा आया, पता है गोल्ड फिश की मेमोरी जो रहती है ना वो 5 सेकंड्स की रहती है, मतलब 5 सेकंड बाद सब भूल जाते हैं। काश मेरी भी मेमोरी, काश मेरी भी मेमोरी ऐसी होती तो मैं, साइंटिफिक नेम क्या है, रुक जा, काश मेरी भी ऐसी होती मेमोरी तो मैं उसको भूल जाता। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। वो देखो पीछे जो तैर रहा है ना, पीछे वो ये इनकी पोटी है, मतलब सबकी पोटी फ्लोट करती है, फ्लोट करती है सबकी पोटी, हमारी जमीन के अंदर जो फ्लश है उसके अंदर ऐसे ऐसे करती है फ्लोट, फिर वो नाले में ऐसे ऐसे फ्लोट करती है। हक दिया, ट्रेन ट्रिप हो गई रोड ट्रिप। सीन ऐसा है कि हम लोग जनरल का टिकट हमने करवाया था और जा रहे एसी, और अब हम जो रोड ट्रिप कर रहे हैं वो बढ़िया एसी 3 टीयर में कर रहे हैं, एसी 2 टीयर कर रहे हैं, मस्त कंफर्टेबल सीट्स, खाना और मस्त केले वेले जो खाना है बस, और क्या ही चाहिए। अब चुतिया पा देखो ना, वो मुझसे सच बता पाए ना, मैं उनसे सच पूछ पाया क्या था क्या नहीं था क्या रीजन है, जबकि मुझे मालूम था कि उसके पास भी वैलिड रीजन है, ठीक है। और जब वो वहां से लौट के आए, उनने फोन भी किया लेकिन भाई का नंबर बदल चुका था, अरे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। One eternity later. ये था कि अगर हाँ, शायद उस टाइम पे कहीं ना कहीं से मेरे पास किसी सोर्स से अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती,
फिर उन्हीं के कुछ ऐसे दोस्त यार थे, उनके कुछ ऐसे खास दोस्त यार थे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तेरे पिता ने जुलम कर रे बर। लेट्स गो। लड़की ने लात मारी तब जाके अकल आई। खाओ पियो ऐश करो प्यार ऑन माय डिक भाई। पैसा कमाओ खुद पे उड़ाओ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके सीधा चांद पे जाओ। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो सीन है अभी गाड़ी में किसी ने पात दिया है। अब सस्पेक्टेड मयंक, अंकुर भैया और मैं। अब अंकुर भैया पे हम इल्जाम डाल नहीं सकते क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं। अभी हमको कहा कि अभी रास्ते में तो सही बात है तो और इसने वाली मम्मी को बचा मैं। तो मेरा ब्लॉग है आधा पादा कर लेते हैं। आधा पादा नो कहाँ गए हम लोग? हम लोग आ गए मथुरा। अब लगेगा मैक्सिमम 1.5 घंटा दिल्ली पहुँचने, नोएडा पहुँचने। दिल्ली भी नहीं, नोएडा, क्योंकि भैया जो है वो नोएडा रहते हैं। अब हम लोग का ये है कि हम नोएडा रुकेंगे, फिर मेरा एग्ज़ाम है एक चीज़ का 2:30 से 5 बजे तक, तो मेट्रो लेंगे हम, वहाँ जाएंगे। ऐसा सीन है। कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे? मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि बंदे पिघल जाओगे। याद तेरी आंधी रही मैं सारी रात पीता रहा। हम आ गए दिल्ली, हम आ गए नोएडा, ग्रेटर नोएडा जी, नहीं गौर नोएडा। गौर नोएडा क्योंकि यहाँ पे हमने देखा भाई सब गौर है, मतलब गौर, गौर इंटरनेशनल स्कूल, गौर सिटी 1, गौर सिटी 2, गौर सिटी 3, गौर सिटी 4, द नेक्स्ट डे गौर सिटी 99, गौर सिटी 100, गौर सिटी 101, 3 days later गौर सिटी 200, गौर सिटी 201, eternity later गौर सिटी हॉस्पिटल, गौर सिटी पार्किंग। और ग्वालियर में एक अपार्टमेंट है, केशर अपार्टमेंट, सबसे महंगा अपार्टमेंट, वो तक नहीं भर पा रहा। और यहाँ पे गौर सिटी चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। बस कर भाई, बस कर भाई। इतनी बड़ी तो हमारे मॉल की पार्किंग है, ग्वालियर के मॉल की, इससे छोटी है। इससे छोटी है ये भाई, ये लिफ्ट चली जा रही है, चले जा रही है। और मैं इनको पोटी आई, अभी गाड़ी में किसी ने पात दिया है। चलो हक दे मैं। वो तो सही व्यू यार भाई, आप लोगों को व्यू देख, ये नंगी आंखों से और अच्छा दिख रहा है। अब हम चले सोने, खाने, हगने, ऐसे ऐसे करती है फ्लोट। बाय बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक सेकंड रुकना है अभी यार। तो सीन ऐसा है कि आधा घंटा हमने सो लिया, आधा एक घंटा, और बहुत भयंकर नींद आ रही है अब तो, क्योंकि पूरे ट्रिप में हम लोग नहीं सोए जब गाड़ी से आए, और भयंकर नींद आई थी। तो सुबह नाश्ता वगैरह करा, उसके बाद सो लिए थोड़ी देर। अब ऐसा है कि 12:30 हो रहे हैं और हम लोगों को निकलना है मेट्रो के लिए। यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी करके। हम लोग देखते हैं, शायद हम ओला लें डायरेक्ट बॉटनिकल गार्डन तक, फिर वहाँ से जामिया इस्लामिया के लिए मेट्रो चलती है, तो उससे हम वहाँ पहुँचेंगे। बाकी मैं एक अपना जीन्स लाना भूल गया हूँ, तो मैं अपने मयंक भाई के जॉगर्स में हूँ। थैंक यू मयंक भाई। मयंक भाई का OTT था ये, आज ये पहन के घूमते, लेकिन आज मैंने ओवरटेक कर लिया। क्या कर सकते हैं, बचपन का दोस्त है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने इसको बोला है कि एक ये वाला मैं पहनूंगा और एक ये पहनेगा। मेट्रो पे लोग नोटिस भी करेंगे, मज़ा आएगा। मज़ा आया तो हमने ऐसा करा है कि एक एक शूज एक्सचेंज कर लिया, ऐसे महंगे भाई लग रहे हैं। चलो तो भाई अपन इस वाली जगह से
निकलने के लिए रेडी हैं। अब अपन को जाना है, डायरेक्ट ऑटो करेंगे, ओला करेंगे और डायरेक्ट जाएंगे बोटनिकल गार्डन मेट्रो। भाई ये व्यू कितना प्यारा है यार, बस व्यू देख लेंगे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करी नहीं है। यहाँ से पॉटी करेंगे, कितनी तेज गिरेगी। भैया टट्टी आ रही, फंस गए हम तो, आ जाओ यार। ये तो टट्टी है, कौन कौन कहा तेरे कुछ नहीं कान? मेरे कान में खुजली नहीं है ना। यार कहीं भी बाहर जाओ, ये पिंपल्स होने लगते हैं, छोटे छोटे दाने 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 दाने, छोटे 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 छोटे। ओला बुक करिए क्या? फालतू में लिफ्ट पे खड़े, ऊपर से थलांग मारते जी मर जाते जही निकल जाता मास मीडिया का एग्जाम, जही मत जाते जही। हम मानोगे नहीं, इतनी गर्मी है ना, बहुत ज्यादा इतनी गर्मी है ना कि आपको दिखाता हूँ कितनी गर्मी है। अरे नहीं 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 नहीं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, देख रहे हो भाई कितनी गर्मी है। मजा आया मेट्रो में भाई, इधर से ओपनिंग भी है मेट्रो में। सब हमारे जूते देख रहे थे भाई, हम लोग जो अलग अलग जूते पहने सब देख रहे थे सब। अब हम लोग को ऑकवर्ड भी लगा, अच्छा भी लगा, मजा आया। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरे को लगेगा डेढ़ घंटा बाहर आने में, जब तक मैं कुछ भी जो करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। We don't care. चाहे किसी कैफे में जाए या इधर ही रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे पता है अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ? ऑडिशन देने करेंगे और धर्मा प्रोडक्शन। मजा आया। ये जेल से छूटते हुए मयंक भाई, ये भूषणी राव भाई डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर ये था, इसका आंसर वो था। इंटरव्यू तो हो रहा है ना? नहीं नहीं, ये देखो इनका इंटरव्यू चल रहा है, कैसा एग्जाम आया था, कैसा क्या आया था भाई। एक तो हम लोग ये शूज डिफरेंट डिफरेंट पहने ना भाई, आधे से ज्यादा लोग तो ये समझ रहे हैं गे कपल है भाई। मजा आया। अरे मेरी तो मैया जत गई, मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो एक आंसर नहीं। ठीक है आपको आंसर नहीं आता था, लेकिन आपको क्या लगता है कि एग्जाम टफ था या इजी था, उस हिसाब से बताइए। अरे मैं क्या बताऊँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी जितना कर पाई मैंने कर दिया भैया, और अब मेरे से पूछो। ठीक है ठीक है, आपसे हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप रफा दफा हो जाए। थैंक यू। डिस्कस कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं, तू भी करना है ऐसा, डिप्रेस हो गया भाई। शो तो कर, वो कह रहे 1947 मैंने 1952 लगाया, हमारे डिस्क्रेस टू मास मीडिया कम्युनिटी। ये कितने का है? 150 लूट लो। क्यों लिया? दिल्ली में शो ऑफ करने के लिए? नहीं, शौक था, मैंने वीडियोस में देखा था बहुत लोगों को। खरीदना चाहिए। तुम पोर्न देखते हो? हाँ। तो उसमें तो सेक्स भी होता है। हाँ। तो तुम्हारा मन नहीं होता सेक्स करने का? हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो कर पाते हो? हाँ। हस्त मैथुन को सेक्स नहीं कहते मया। So step by step guide to suck your own dick. एग्जाम हो गया, पता नहीं कैसा गया, बहुत ही बेकार गया, मजा आया लेकिन। और बस अभी मयंक के जो भैया है वो हम लोग को लेने आ रहे हैं, तो उनके साथ जाएंगे। उनका घर है, वो है एयरपोर्ट के पास में, तो मतलब यहाँ से 30 मिनट की दूरी पे। वहाँ जाके भाई अब सोना है, क्योंकि आज सिर्फ आधे घंटे या एक घंटे की नींद मिली है, कल से सो ही नहीं है, तो हम दोनों तो भाई घोड़े पेच के सो जाएंगे और कल घूमेंगे, मस्त घूमेंगे।